हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो रेसिपी सिखाने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा यम्मी है, तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी सैंडविच। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए, और इसके लिए हमने लिया है ये चीज़ लिया है, और इसके साथ हमने कैप्सिकम छोटा छोटा चॉप कर लिया है, और ये हमने प्याज लिया है एक छोटा जिसे चॉप कर लिया। ये हरी चटनी हमने बनाई है पुदीने और धनिए की, और इसके साथ सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और ये हमने ब्रेड लिया, या फिर आप आटे की ब्रेड यूज़ कर सकते हैं या फिर मैदे की, तो हमने मैदे की ब्रेड ली है। सबसे पहले हम इसमें ये जो हमने चटनी बना के रेडी करी थी उसको इसमें लगाएंगे, और इसे स्प्रेड करना है एकदम अच्छी तरीके से। चटनी में भी सॉल्ट होता है। इसमें देखिए हमने चटनी को स्प्रेड कर दिया है काफ़ी अच्छी तरीके से, और इसमें अब हम ये कैप्सिकम जो हमने चॉप करके रखे थे लगा देंगे, और उसके बाद ये जो हमने प्याज चॉप करके रखे थे उसे भी इसमें लगा देंगे अच्छी तरीके से। प्याज लगाने के बाद इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट हमें बहुत ही ज़रा सा यूज़ करना है, क्योंकि चीज़ में भी सॉल्ट होता है, चटनी में भी सॉल्ट है, और इसमें हम ब्लैक पेपर थोड़े से ऐड कर देंगे, और इसके ऊपर से हम चीज़ ऐड करेंगे। आप कोई सा भी चीज़ इसमें यूज़ कर सकते, स्लाइस चीज़ यूज़ करना है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको अच्छी तरीके से इस पर दबा देंगे, और इसे हम फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, और हम इसे सैंडविच मेकर में बनाएंगे। तो इसके ऊपर से हमने डाला वेजिटेबल ऑयल, आप इसमें बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये हमने सैंडविच मेकर लिया है, और इसमें हम लगाएंगे ये वेजिटेबल ऑयल, और इसके बाद हम इसमें रखेंगे ये जो हमने सैंडविच बना के रखा था उसको रखेंगे, और इसे हम ग्रिल करेंगे। और ये देखिए हमारा सैंडविच बन चुका है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे, और ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। और ये देखिए हमारा सैंडविच बन के रेडी हो गया है, और इस ये सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे स्नैक्स में बना के खा सकते हैं, बहुत ही क्विक रेसिपी है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, इससे मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। अब मैं मिलूँगी अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक देखते रहिए शेफ़ पूनम घर की रसोई।